झूठ इतना बोलेंगे होटल पे बैठकर, इतना बोलेंगे। और पूछो भाई वो फला मस्जिद के अंदर आप नमाज नहीं पढ़ते? नहीं, मैं थोड़ा दूर जाता हूँ। क्यों? वो इमाम झूठ बोलता है। वाह भाई वाह, बड़ा सच्चा निकला। अगर इमाम साहब फजर में एक दिन नहीं आए तो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो चार दिन तक तफसेरा करें कि वो फजर में नहीं थे, और जनाब ने पता नहीं कितने साल पहले फजर पड़ी होगी, खुदा जाने। ये हाल, जो बुराई अपने अंदर हो क्यों किसी को टोकते हो? बल्कि मैं तो ये कहता हूं, अगर इंसान ये सोच ले कि दुनिया में सबसे बुरा इंसान मैं ही हूं, तो शायद उसको किसी की बुराई नजर ना आए। और हकीकत यही है, सूफिया का मनहज और सूफिया का तर्ज यही है कि हम सबसे ज्यादा ऐबदार हैं, हमसे ज्यादा ऐब किसी में। एक मकाम पर मैंने नमाज पढ़ ली, एक साहब ने आगे कहा आपने उनके पीछे नमाज पढ़ ली? मैंने कहा सुन्नी तो है ना। कहा हाँ है। तो कहा फिर क्या है? वो कहा वो ऐसा करते। मैंने कहा मुझसे बेहतर है, छोड़ दो। अगर वो अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पर हैं, मुझसे बेहतर है, छोड़ दीजिए। इसलिए कि हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाएं? हम तो सिर्फ अहले सुन्नत देखते। हाँ ये और बात है कि फिस्क व फुजूर एलानिया तौर पर ना हो, वरना फिर तो इंसान इमामत के काबिल ही नहीं रह जाता। वरना अगर सूद के धंधे भी करने लगे तो फिर अच्छी बात नहीं है, हक ही नहीं है। फिर बीवी को बाइक पर बेपर्दा लेके घूमने लगे तो फिर हक नहीं है। जिसकी बीवी बेपर्दा घूमे उसको इमामत का हक नहीं है। इसलिए कि ये भी फिस्क है और एलानिया फिस्क है। वाबियों का जनाजा अलल एलान पड़ा है, उसको हक नहीं है। उनका निकाह पड़ा है, उसको हक नहीं है। मुसलमानों की सुन्नियों की इमामत का हक नहीं है उसको, क्योंकि ये फिस्क है। कड़वी लगती है ना? कड़वी है, लेकिन अगर 2000-3000 पर ईमान बिक रहा है तो मैं नहीं समझता हूं कि ऐसे आदमी को हक है कि वो आपका इमाम बने। और आपसे कहता हूं, हमारी दो रिकत नहीं, अपना सिर्फ एक सजदा, एक सजदा। दुनिया की पूरी दौलत एक पल्ले में हो और सुन्नियों का एक सजदा एक पल्ले में हो, बराबर नहीं है। इसलिए जिसके पीछे खड़े रहो, जरा देख भी लिया करो कि जनाजे और निकाह किसके पढ़ाता है, इसका ख्याल होना चाहिए आपको, वरना आपकी जिम्मेदारी है। हुजूर पे सलाम भी पढ़े, हुजूर पे दुरूद भी पढ़े, हुजूर के गुस्ताखों के जनाजे ही पढ़ते फिरे, फिर ये नहीं चलेगा। इसका ख्याल आपको रखना चाहिए।